सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कोरोना वायरस से देश दहशत में घिरता जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के अब तक 81 मामलों की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि केरल में एक बुजुर्ग की मौत हुई। ऐसे में कई राज्यों की तरफ से कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया। हरियाणा सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में अहम बैठक की और प्रदेश में होने वाली रैलियों सामूहिक कार्यक्रमों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। हालांकि अनिल विज ने कहा कि वो स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश भर में 100 कैंप लगाकर मुफ्त दवाइयां बांटी जाएंगी और जो भी नए आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने सारा रिव्यू किया है कोरोना का कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या हमको करना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि एक तो सभी प्रकार की रैलियों पर हमने बैन लगा दिया, चाहे वो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं या खेलों का आयोजन होता है तो उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, उस पर आगामी आदेशों तक बैन लगा दिया गया है। उसी प्रकार से स्कूल बंद करने के हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चों को कहीं फ्लू के सिम्टम हैं तो उन बच्चों को वो स्कूल में ना भेजें, पेरेंट्स स्कूल में ना भेजें। और किसी भी अस्पताल में जो हमने फ्लू सेंटर बनाए हैं, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी, वहाँ पर जाकर दिखाएं। आयुर्वेद ने, होम्योपैथी ने, आयुष विंग ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए कहा है। तो 100 कैंप सारे हरियाणा में लगाए जाएंगे, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयां और होम्योपैथिक दवाइयां, यूनानी दवाइयां फ्री बांटी जाएंगी जो कोरोना को रोक सकें। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी जुड़ी हैं। चंद्रशेखर, अगर बात की जाए कोरोना वायरस के संक्रमण और उसकी महामारी को लेकर अनिल विज की नेतृत्व में सब कैबिनेट मीटिंग हुई है, क्या कुछ इसमें तमाम अहम फैसले लिए गए हैं और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए कुणाल, जिस प्रकार से अनिल विज ने आज अपने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग की, हर तीसरे दिन मीटिंग कर रहे हैं, उस रिव्यू मीटिंग के बाद एक तरह से हाई लेवल की ये मीटिंग थी। उस मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जहां जहां रैलियां सामाजिक हों, धार्मिक हों या राजनीतिक हों, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो अगले दिनों में कहीं भी होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना को लेकर दहशत का माहौल उत्पन्न है और क्योंकि ये संक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं वायरस न फैले, इसलिए ये कड़े कदम उठाए गए। दूसरी तरफ अनिल विज ने ये भी बताया कि 100 से ज्यादा कैंप हरियाणा में जगह जगह उनके जो आयुष विभाग है वो लगाएगा और इसके अलावा जो होम्योपैथिक दवाइयां भी वहां दी जाएंगी, जो दवाइयां इस मामले में कारगर साबित हो सकती हैं किसी व्यक्ति के लिए वो दी जाएंगी। स्कूलों के लिए उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करना किसी चीज का हल नहीं होता, इसके लिए केवल अभिभावकों से उन्होंने सहयोग मांगा कि जिनके बच्चों को कोई भी इस तरह की दिक्कत है या कोई संक्रमण रोग लग रहा है तो वो अपने बच्चों को भेजने में गुरेज करें, लेकिन स्कूल बंद करना किसी चीज का हल नहीं है। खेलों के लिए उन्होंने कहा कि बड़े आयोजन खेलों के अगर होने हैं तो वहां पर भीड़ ना इकट्ठी की जाए, और इस मामले में उन्होंने कानूनी प्रावधान भी रखे हैं। कानूनी प्रावधानों के तहत उन्होंने जो IPC की धारा 188 जो है क्योंकि लागू करने के आदेश भी दिए हैं इसमें। बिल्कुल, तो तमाम एहतियात प्रदेश सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति ना बनाई जाए, तमाम ऐसे एहतियात रखे जाएं जिसके माध्यम से जो संक्रमित लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज इस समस्या का मिल पाए।